नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जय हिंद जय हिंदी। करंट अफेयर्स की श्रृंखलाएं हम पढ़ा रहे हैं। करंट अफेयर्स के साथ हम आपके साथ करंट अफेयर्स साझा कर रहे हैं। बिहार समझ लो सीरीज के अलावा आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है पुरस्कार। पुरस्कार से एक प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे वो दरोगा हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो, सीडीपीओ हो, ऑडिटर हो, या यूपी पीसीएस हो, कोई भी एग्जाम हो, पुरस्कार पर एक प्रश्न आपको जरूर मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो पुरस्कार हैं वही हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, इसमें से एक प्रश्न आपका पक्का है। छोटे से वीडियो से अगर आपको एक प्रश्न मिल जाता है तो ये बहुत सस्ता सौदा है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। एडवांस में हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारा चैनल देखने के लिए। आइए हम बात करते हैं आज के पुरस्कार पर। ये बिहार के नहीं, करंट अफेयर्स में पुरस्कार हैं जो हमारे भारतीयों को मिले हुए हैं, या जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं विदेशों के भी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बस वही दे रही हूँ और इनमें से मुझे पूरी उम्मीद है कि एक प्रश्न आपको मिल ही जाएगा। तो आइए बात करते हैं चर्चित पुरस्कार 2021 पर। पहला सरस्वती सम्मान 2020, ये 30वां सरस्वती सम्मान है। अभी तक 30 सरस्वती सम्मान दिए जा चुके हैं, ये 2020 का है। 2020 या 21 जो भी लिखा है, अभी तक जो नया सम्मान नहीं दिया गया है तो वो 2020 वाला ही इम्पोर्टेंट होगा। जब नया आ जाएगा तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिएगा। अभी यही पुरस्कार आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सरस्वती सम्मान 2020 किसको मिला है? शरण कुमार लिम्बाले को। इनकी पुस्तक है, उपन्यास है सनातन। सनातन उपन्यास के लिए शरण कुमार लिम्बाले को कौन सा पुरस्कार मिला? सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया। किस बुक के लिए? तो वो दिया गया है सनातन के लिए। सनातन इनका उपन्यास है। किसका उपन्यास है? शरण कुमार लिम्बाले का। और शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए क्या मिला? सरस्वती सम्मान। ये आपको याद करने में आसानी हो इसलिए मैं इस तरह से बोलती हूँ। बिहारी पुरस्कार 2020, ये भी 30वां है। बिहारी पुरस्कार, ये बिहार का नहीं है। बिहारी पुरस्कार बिहार का नहीं है, ये बिरला फाउंडेशन का पुरस्कार है। ये मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है बिहारी पुरस्कार। इनकी पुस्तक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। पुस्तक का नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। ये किसकी पुस्तक है? तो मोहन कृष्ण बोहरा की है। और इन्हें कौन सा सम्मान मिला है? तो इन्हें बिहारी पुरस्कार मिला है। बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है मोहन कृष्ण बोहरा को। बिहारी पुरस्कार किसको मिला है? मोहन कृष्ण बोहरा को। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तीसरा है साहित्य गौरव सम्मान 2021। साहित्य गौरव सम्मान ये मिला है रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक को कौन सा सम्मान मिला है? तो इन्हें मिला है साहित्य गौरव सम्मान। साहित्य गौरव सम्मान किसको मिला है? रमेश पोखरियाल निशंक को। रमेश पोखरियाल निशंक को कौन सा सम्मान मिला है? साहित्य गौरव सम्मान। अगला है मेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021। मेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2021, मेन बुकर किसको मिला है? डेविड ड्यूप को मिला है, जो फ्रांस के हैं। डेविड ड्यूप को, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। 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 इस पुस्तक के लिए डेविड ड्यूप को मेन बुकर पुरस्कार मिला। मेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, मेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला? डेविड ड्यूप को मिला। ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? इनकी पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये आपको याद रखनी है। बुकर पुरस्कार, ये था मेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार, ये है बुकर पुरस्कार। ये डेमिन
गर्ल गुट को मिला जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ये डेविड है, ये डेमेन है, मिलता जुलता नाम है, ध्यान रखिएगा। ये डेविड डियोप है जिन्हें मेन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला, और ये बुकर पुरस्कार जिसे मिला वो डेमेन गलगुट है, और इन्हें दक्षिण अफ्रीका का पुरस्कार मिला। पूरा नाम ना भी याद रहे तो कम से कम डेमेन से समझ में आ जाएगा। डेमेन गलगुट दक्षिण अफ्रीका के हैं, इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया, इनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस। डेमेन गलगुट कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द प्रॉमिस है, जो एक उपन्यास है। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? इन्हें बुकर पुरस्कार मिला है। बुकर पुरस्कार किसको मिला है? डेमेन गलगुट को। ये कहाँ के हैं? दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनकी पुस्तक का नाम है द प्रॉमिस, जो एक उपन्यास है। व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को मिला। व्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को मिला। असगर वजाहत को क्या मिला? व्यास सम्मान। असगर वजाहत को क्या मिला? व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किसको मिला? असगर वजाहत को। ठीक है, आगे देखते हैं साहित्य अकेडमी पुरस्कार। साहित्य अकेडमी पुरस्कार ये कई भाषाओं में दिए जाते हैं, तो हमारी भारतीय भाषाओं में हिंदी भाषा का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार है वो अनामिका को मिला, और इनकी पुस्तक का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। टोकरी में दिगंत थेरी गाथा अनामिका की पुस्तक है, और इसके लिए उन्हें हिंदी भाषा में साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला। हिंदी भाषा का साहित्य अकेदमी पुरस्कार मिला अनामिका को, जिनकी पुस्तक का नाम है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, और इनकी पुस्तक का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर ये अरुंधति सुब्रमण्यम की बुक है। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर ये किसकी बुक है? अरुंधति सुब्रमण्यम की। इन्हें क्या मिला है? इन्हें अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमलकांत झा को मिला है। कमलकांत झा को क्या मिला है? मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार कमलकांत झा को मिला। उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार हुसैन अल हक को मिला। हुसैन अल हक को उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 और 2021 के एक साथ दिए गए। ये 2020 का 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, और 2021 का 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। 2020 का जो 56वां था वो नीलमणि फुकन जूनियर को मिला। ये असमिया कवि हैं। असमिया कवि हैं कौन? नीलमणि फुकन जूनियर कौन है? असमिया कवि है। इन्हें क्या मिला? इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दोनों एक साथ आए थे इसलिए दोनों इम्पोर्टेंट हैं। 57वां दामोदर मोजो को मिला, जो कोंकणी उपन्यासकार हैं। कोंकणी उपन्यासकार हैं दामोदर मोजो। इन्हें कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? 57वां। तो ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसमें से एक प्रश्न जरूर बनता है एग्जाम में। आइए रिकॉल कर लेते हैं। सरस्वती सम्मान 2020 जो 30वां था, शरण कुमार लिम्बाले को मिला। इनका उपन्यास है सनातन। उपन्यास के लिए शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान दिया गया। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को मिला। इनकी पुस्तक है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को बिहारी पुरस्कार दिया गया। साहित्य गौरव सम्मान रमेश पोखरियाल निशंक को मिला। रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य गौरव सम्मान मिला। मैन बुकर अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार डेविड डियोप को मिला, जो फ्रांस के हैं। इनकी पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। बुकर पुरस्कार डेमेन गलगुट को मिला, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। इनका उपन्यास है द प्रॉमिस। ब्यास सम्मान 2021 असगर वजाहत को मिला। असगर वजाहत को ब्यास सम्मान दिया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा के लिए अनामिका को मिला, जिनकी पुस्तक है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला। इनकी पुस्तक का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। मैथिली भाषा का कमलकांत झा को मिला। कमलकांत झा को मैथिली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उर्दू भाषा का हुसैन अल हक को मिला, और ज्ञानपीठ पुरस्कार में 2020 और 21 के एक साथ दिए गए, तो 56वां मिला।
नीलमणि फुकान जूनियर को जो असमिया कवि है, और 57वां मिला दामोदर मोजो को जो कोंकणी उपन्यासकार है। ये इम्पोर्टेंट पुरस्कार थे जो हमने आपके साथ साझा किए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।